नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जहां हम बात करते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। मैं हूं डॉक्टर खुशबू, मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं नीलकंठ इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ हॉस्पिटल पटना में। और आज हम बात करेंगे दंपत्ति में, कपल्स में अगर प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत आ रही है तो उन्हें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए और क्यों। सबसे पहली बात, अगर महिला की उम्र 35 साल से कम है और पति पत्नी एक साल से साथ रह रहे हैं, रेगुलरली कोई प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी बच्चा नहीं ठहरता है तो उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए और टेस्ट कराने चाहिए। लेकिन अगर महिला की उम्र 35 साल से ज्यादा है तो हमें 6 महीने के बाद ही ये टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि महिलाओं में उम्र के साथ अंडा बनने की क्षमता कम हो जाती है और प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी बात, एक प्रेगनेंसी ठहरने के लिए पुरुष और महिला दोनों ही नॉर्मल होने चाहिए। तो टेस्ट जब भी हम कराएं तो पति पत्नी साथ कराएं। आप अपने डॉक्टर को जब भी विजिट करो एज अ कपल विजिट करो, हस्बैंड वाइफ दोनों के ही टेस्ट होने चाहिए। उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि एक्चुअली प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, उसका कारण क्या है। तीसरा, कि हम जो टेस्ट कराते हैं वो स्टेप वाइज टेस्ट है। शुरुआती दिनों में हम पहले बेसिक टेस्ट कराते हैं, अगर उसके बाद कोई दिक्कत आती है या हमें कुछ ऐसा लगता है कि महिला में ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हम एडवांस टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले, एक प्रेगनेंसी के लिए हमें नॉर्मली चाहिए क्या होती है। आपकी अंडेदानी सही होनी चाहिए, उसमें महीने में हर महीने अंडा तैयार होना चाहिए, रप्चर करना चाहिए, ओव्यूलेट करना चाहिए, ट्यूब्स खुली होनी चाहिए। ट्यूब्स होती है फेलोपियन ट्यूब्स, बच्चेदानी की नली ही वो जगह है जहां पे अंडा और कीड़ा मिलते हैं और भ्रूण का निर्माण होता है। यूट्रस यानी बच्चेदानी नॉर्मल होनी चाहिए, जहां पे फाइनली जो भ्रूण है वो इम्प्लांट होता है और बच्चा ग्रो करता है। आपके इन सभी को कंट्रोल करने वाले हॉर्मोन सही होने चाहिए, थायराइड, प्रोलैक्टिन एक्सेट्रा नॉर्मल होनी चाहिए और हस्बैंड में कीड़े नॉर्मल होने चाहिए, यानी जो सीमेन की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। तो जो हमारे टेस्ट होते हैं वो इसी के अराउंड हमारे टेस्ट होते हैं, हम यही देखने के लिए कि ये सारी चीजें नॉर्मल हैं या नहीं हम टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं अंडाशय की। अंडे महीने में बन के तैयार हो रहे हैं और रप्चर कर रहे हैं या नहीं, ये हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, जो एक अल्ट्रासाउंड है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखते हैं। यह अल्ट्रासाउंड योनि के रास्ते से किया जाता है और जो अंडे होते हैं बहुत ही अच्छे ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में दिखते हैं। तो इसमें हम महिला को मासिक के 8वें से 10वें दिन के आसपास में बुलाते हैं, फिर 12th डे पे बुलाते हैं कि अंडे के साइज बढ़ रहा है जितना नॉर्मली बढ़ना चाहिए या नहीं, और उसके बाद रप्चर हुआ या नहीं। अगर ये सारी चीजें नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी के चांसेस ऐसी महिलाओं में अच्छी होती है। प्लस ओवेरियन रिजर्व टेस्ट है, यानी कि महिला में अंडा बनने की शक्ति कैसी है। 30 साल के बाद महिलाओं में अंडा बनने की शक्ति कम हो जाती है। इनफैक्ट अभी हमारे खराब खान पान की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, कई अन्य ऐसे कारण है जिसकी वजह से 30 साल के नीचे भी हम देख रहे हैं कि महिलाओं में अंडा बनने की शक्ति बहुत अच्छी नहीं है। तो यह टेस्टिंग, जो अंडे बनने की टेस्टिंग है, वो हम कई ब्लड टेस्ट के थ्रू और अल्ट्रासाउंड दोनों को ही कोलैबोरेट करके करते हैं। एंटी म्यूलेरियन हार्मोन AMH एक ब्लड टेस्ट है जो हम मासिक के किसी भी दिन पे कर सकते हैं, जो ओवेरियन रिजर्व, जो अंडा बनने की महिला की शक्ति है, उससे बहुत ही अच्छे से कोरिलेट होता है। प्लस FSH LH जो ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जो हम मासिक के दूसरे दिन करते हैं, वह भी एक टाइप की ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग है, बट AMH बेटर रिजल्ट्स देती है। साथ साथ में हम मासिक के दूसरे दिन, तीसरे दिन अल्ट्रासाउंड करके एंट्रल फॉलिकल काउंट करते हैं, जो हमें दर्शाता है कि महिला के अंडा बनने की शक्ति क्या है। इन सारे टेस्ट को कोलैबोरेट करके हम देखते हैं कि महिला में क्या चांसेस है प्रेगनेंसी होने की। फिर ओवरीज के बाद आती है फेलोपियन ट्यूब, यानी बच्चेदानी की नली की पेटेंसी देखने की, मतलब यह खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है। ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ये एक रास्ता बनाती है बच्चेदानी और अंडेदानी के बीच में। यह खुली हुई होनी चाहिए, बहुत सारे इन्फेक्शंस में, टीबी में ये बंद हो जाती है।
तो ये जो बंद हो जाने की वजह से अंडा और कीड़ा कभी मिलेंगे नहीं और प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। तो इसके कई टेस्ट होते हैं, हम एक्सरे से कर सकते हैं इसकी फिलोपियन ट्यूब की पेटेंसी टेस्ट, जिसे हम HSG हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी कहते हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड की मदद से भी पेटेंसी चेक कर सकते हैं, या लैप्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं। यह जो पेटेंसी टेस्ट होती है वो मासिक के 7वें से 10वें दिन के बीच में ही हम करते हैं। HSG टेस्ट हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी हम मासिक के 8वें दिन करते हैं, जिसमें से एक रेडियो ओपेक डाई बच्चेदानी के थ्रू हम पास कराते हैं और हम फाइनली एक एक्सरे लेते हैं पेशेंट का, जिसमें हम डाई को ट्यूब्स के बाहर निकलते हुए देखेंगे। अगर यह डाई ट्यूब्स के बाहर नहीं निकलती है, इट मींस कि ट्यूब में कहीं पे ब्लॉकेज है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। यह बहुत ही इजीली अवेलेबल टेस्ट है, छोटे छोटे शहरों में भी यह टेस्ट हो जाता है। इसके साथ साथ हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी देख सकते हैं कि ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं, जिसमें हम बच्चेदानी के मुंह से सलाइन डालते हैं और फाइनली अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखते हैं कि यह सलाइन ट्यूब से निकल रही है या नहीं निकल रही है। और फाइनली लैप्रोस्कोपी, जो एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, जिसमें हम डाई बच्चेदानी के मुंह से डालते हैं और दूरबीन के थ्रू बिल्कुल सामने ट्यूब से वह डाई निकली कि नहीं देख सकते हैं। और साथ साथ में कोई बच्चेदानी में प्रॉब्लम, बच्चेदानी के अगल बगल कोई इन्फेक्शन, चिपकाहट, कोई सिस्ट हम देखेंगे और देख सकते हैं लैप्रोस्कोपी में। और अगर कोई ऐसी गड़बड़ी आती है और उसे हम साथ साथ में ट्रीट भी कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपी का ये फायदा है। लेकिन यह इन्वेसिव प्रोसीजर है, जिसमें आपको भर्ती होना पड़ता है हॉस्पिटल में और शाम को आप डिस्चार्ज कर दिए जाओगे। एनेस्थीसिया में लैप्रोस्कोपी की जाती है, यानी आपको बेहोश करके लैप्रोस्कोपी की जाएगी। हमने अंडाशय की टेस्टिंग कर ली, हमने बच्चेदानी के ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स की टेस्टिंग कर ली। अब हम बच्चेदानी को चेक करते हैं, जहां पे फाइनली बच्चा इम्प्लांट होता है। मे बी कि अंडे बन रहे हैं, ट्यूब्स पेटेंट है, लेकिन अगर बच्चेदानी हेल्दी नहीं होती है, यूट्रस आपकी हेल्दी नहीं है, तब भी आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती है। यूजुअली बच्चेदानी टेस्टिंग हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो हमने बात की है, उसके थ्रू टेस्ट करते हैं। अगर बच्चेदानी का कंटूर सही है, उसमें कोई ट्यूमर नहीं है, बच्चेदानी की लाइनिंग अच्छी हो रही है, लाइनिंग कैविटी को दर्शाता है, अगर कैविटी अच्छी है तो प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होते हैं। अगर हमें लाइनिंग अच्छी नहीं दिख रही है या फिर टीबी की कोई हिस्ट्री है, तो हम लोग इंडोमेट्रियल बायोप्सी लेते हैं, बच्चेदानी की झिल्ली की जांच करते हैं टीबी के लिए। अगर कोई भी इन्फेक्शन आता है या टीबी का अंश आता है, तो उसे हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। साथ साथ में महिलाओं में हम हार्मोनल टेस्ट करते हैं, जैसे कि थायराइड, प्रोलैक्टिन, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर किसी को अनीमिया भी होगा तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, तो हीमोग्लोबिन की जांच, शुगर की जांच, थैलेसीमिया, और भी अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर्स हमें पेशेंट को एग्जामिन करके हिस्ट्री में लगता है, तो वो जांचें हम अकॉर्डिंगली करेंगे। फिर हम मेल पार्टनर में जो बेसिक जांच करते हैं, वो है सीमेन की जांच। सीमेन की जांच 3 से 5 दिन के एब्सटिनेंस के बाद ली जाती है। यह जो जांच होती है सीमेन की, उसमें हम स्पर्म के अमाउंट, कितना स्पर्म है इसके अंदर, कितने कीड़े हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, चाल कैसी है, यानी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को देखते हैं। अगर हस्बैंड के सीमेन के पैरामीटर्स नॉर्मल है, तो हमें और फिर कोई हस्बैंड में फर्दर जांच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर उनके पैरामीटर्स, अगर हस्बैंड के पैरामीटर्स सीमेन के अच्छे नहीं है, तो हम और भी फर्दर जांचें कर सकते हैं, जैसे पैरामीटर्स है उसके अनुसार। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की कि अगर किसी कपल को प्रेगनेंसी लेने में दिक्कत आ रही है, तो उन्हें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए और क्यों कराने चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ महिलाओं के स्वास्थ्य पे, फीमेल हेल्थ पे मैं डालती रहूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।